बस 1.5 गिलास पतले दूध से किलो मार्केट की तरह गाढ़ी और मलाईदार दही जमाएंगे एकदम नए और अनोखे तरीके से। नया अनोखा तरीका देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुतुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे। तो यहाँ हमने गैस चलाकर पैन रख दिया। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 बड़ा कप दूध। तो ये जो हमने कप लिया है एक बड़ी वाली गिलास के बराबर है, और हमने पैकेट का दूध लिया हुआ है। दूध को एक बार हमने पहले से ही उबाल लिया था। आप इसकी जगह पर आपके घर में गाय भैंस का दूध जो भी आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध को आप 5 मिनट तक गर्म कर लीजिएगा। दूध को हमने पहले उबाला था इसलिए हम बहुत ज्यादा इसे नहीं गर्म करेंगे, यानी कि नहीं उबालेंगे। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, जिससे दही हमारी काफी मीठी जमेगी। और 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, और सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे हम किनारे रख देंगे। दूध हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, इसे अच्छी तरह से चला देते हैं। तो कितना भी आप पतला दूध लेंगे आपकी दही काफी गाढ़ी और मलाईदार जमेगी। अब इसमें से हम 1.5 कलछी दूध लेंगे और इस कॉर्नफ्लावर में डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स और गुठलियां ना रहे। इसे हम किनारे रख देते हैं, और जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाएगा इस मिश्रण को हम डालते जाएंगे और इस तरीके से घोलते जाएंगे। इकट्ठा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे घोलते जाएंगे। लगभग एक उबाल आ चुका है। थोड़ा सा हम बोल को धुल करके भी पानी डाल देते हैं, क्योंकि ढेर सारा इसमें दूध चिपका हुआ था। और अब हम क्या करेंगे ना, दूध को इस तरीके से फेंटते हुए पकाएंगे। दूध को कलछी से ऊपर से गिराते जाएंगे और फेंटते हुए से पकाते जाएंगे। इससे क्या हुआ कि दूध में काफी झाग आ जाएगा और दही हमारी काफी अच्छी जमेगी। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। यहाँ पर हमने कटोरी में 1 चम्मच ये दही लिया हुआ है। तो जब भी आप जामुन के लिए दही लें या फिर खट्टा लें तो थोड़ा सा दही खट्टा लें। बहुत ज्यादा अगर मीठी दही लेते हैं तो दही अच्छी नहीं जमेगी, और बहुत ज्यादा खट्टी दही लेते हैं तो ये दही भी उतनी ही खट्टी जमेगी और बाद में उसमें खट्टास का स्मेल आने लगता है। तो दही 1 दिन रखा हुआ पुराना लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से घोल लेंगे। और यहाँ हमने गैस चलाकर कुकर गर्म होने के लिए रख दिया। कुकर गर्म हो रहा है और यहाँ हमने एक मिट्टी का हांडी लिया हुआ है। तो अगर आपके पास मिट्टी का हांडी नहीं है तो आप भगोने में, फिर इस आप कटोरे में भी इस दही को जमा सकते हैं। अब हम 1 चम्मच से 1.5 चम्मच दही डाल देंगे और हांडी के तले से लेके ऊपर तक इस तरीके से दही को फैला देंगे, यानी कि दही से हांडी को अच्छी तरह से कोट कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा दही को हमने हांडी में लगा दिया। अब दूध को हम ठंडा करेंगे। तो इस तरीके से आप लगातार फेंटते हुए दूध को ठंडा कीजिएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, एक छोटी उंगली को डाल करके इस तरीके से दूध को चेक करेंगे। दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली को बर्दाश्त कर ले। कुकर गर्म हो गया है तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर एक मोटी सी तौलिया को बिछा देंगे। हांडी को बीचों बीच रख देंगे इस तरीके से। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कुकर को तेज आंच पर पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद गैस को बंद कर देना है। अब इस हांडी में हम ऊपर तक दूध भर देंगे, क्योंकि जब दही जमता है ना तो कम हो जाता है, तो दूध को हम ऊपर तक भरेंगे। और भरने के बाद अब इसमें हम खट्टा डालेंगे, यानी कि जामुन डालेंगे। तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ये दही। तो आप कोई सा भी दही ले, उसे थोड़ा सा घोल करके पानी डालकर पतला कर लें, फिर जामुन लगाएं। और चम्मच के पीछे वाले भाग से, यानी कि डंडी से, इस तरीके से हम दही को हल्का सा चला देंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि दही उठाते हैं, 4 कोनों पर डाल देते हैं या फिर दही को बीच में डाल करके छोड़ देते हैं, उससे दही अच्छी नहीं जमती। अगर आपके पास जामुन नहीं है तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च को डंठल से डाल करके और ऊपर से इस तरीके से ढक्कन लगाकर दही को जमा देते हैं, लेकिन उससे दही बहुत अच्छी नहीं जमती है। तो अगर आपके पास अगर जामुन नहीं है तो इस तरीके से जमा सकते हैं। अगर जामुन है तो इस तरीके से हांडी में दूध को डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल लगा दीजिए और इसके मुंह को इस तरीके से कवर कर दीजिए एल्युमिनियम फॉइल से। आप ढक्कन भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें। और इसके ऊपर हम एक
मोटा सा कपड़ा डाल देंगे ताकि इसमें गर्माहट बनी रहे। तो इस विधि को आप ठंड में भी ट्राई कर सकते हैं और गर्मी में भी ट्राई कर सकते हैं। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसे हम 3 से 4 घंटे तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। और यहाँ हमने गैस चलाकर नीचे पतीले में पानी गर्म कर लिया है, तो हमने स्टीमर का प्रयोग किया है और ऊपर से जाली रख दिया है। अब इसके बीचों बीच एक हम प्लेट रख देंगे, 2 तरीके से हम दही जमाएंगे और दोनों दही हमारी काफी गाढ़ी जमेगी। बचा हुआ दूध को हम प्लेट में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना छिछला और कितना हमने फैला हुआ बर्तन लिया हुआ, लेकिन दही हमारी काफी गाढ़ी जमेगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच दही और दही डालकर अच्छी तरीके से हल्के हाथ से घोल देंगे। बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है, बस चम्मच के पिछले वाले भाग से हल्का सा इस तरीके से हमें घुमा देना है। और घुमाने के बाद इसके मुंह को भी हम कवर कर देंगे अल्मोनियम फॉइल से। तो अभी जो नीचे पानी है वो उबल रहा है, इसलिए स्टीमर गर्म है। जब हम इसके मुंह को कवर कर देंगे तो इसके ऊपर हम एक मोटा सा कपड़ा रख देंगे इस तरीके से, ताकि इसकी गर्माहट बनी रहे। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ये दही जम करके तैयार हो जाता है। अब हम ढक्कन लगा देंगे, गैस बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 घंटे तक पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। 3 घंटा हो गया, कुकर का ढक्कन खोल देते हैं, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया, कपड़ा हटा देते हैं और ये हांडी को भी निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि दही जो है हमारी पूरी तरह से ठंडा हो जाए। एल्युमिनियम फॉइल को हटा देते हैं और ये छोटा वाला फॉइल भी हटा देंगे। और ये देखिए हमारी बिल्कुल गाढ़ी पत्थर से एकदम मलाईदार दही जम करके तैयार हो गई है। बिल्कुल पानी भी नहीं है, मैं पलट करके इसे दिखा रही हूँ, मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है। इस तरीके से मैंने हांडी को हाथ पर पलट दिया और आप 1 मिनट के बाद भी देखेंगे तो इसमें से 1 बूंद भी दही का पानी हमारे हाथ में नहीं लगा है, इतनी गाढ़ी ये दही जम करके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल मीठी सी और गाढ़ी सी दही घर में जमा सकते हैं। अब इसे मैं निकाल कर भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी गाढ़ी सी दही हमारी बनी हुई है। कम समय में आसान तरीके से, और आपके पास जो भी पतला दूध है या फिर गाढ़ा दूध है आपके घर में, तो इस तरीके से आप मार्केट की तरह गाढ़ी सी दही जमा सकते हैं। ये दही बहुत दिनों तक ताजा रहता है, इसमें खटास नहीं आता है। आप इस दही को छाछ बनाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर रायता बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, दही बड़ा बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। और ये हांडी भी देखिए हमारी कितनी क्लीन है, इसे आप 1 से 2 बार दही बनाने में यूज कर सकते हैं। अब ये प्लेट वाला भी मैं दिखा देती हूँ, एल्युमिनियम फॉइल को हटा देंगे। इसको भी हमने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था बाद में। और ये देखिए इतना छिछला और इतना फैला हुआ मुंह वाले बर्तन में हमने दही को कितना परफेक्ट तरीके से जमाया हुआ है। एकदम आप इसे कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे ये नीचे नहीं गिरेगा। मैं इसे काट करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए निकाल कर दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से दही को एक बार जरूर बनाइएगा, यकीन मानिए आपको काफी पसंद आएगा। घर में बड़े हो या बच्चे हो, सबको काफी पसंद आता है। बहुत ही चाव से गर्मियों में सब लोग इसको खाना पसंद करते हैं। और इस दही को आप चाहते हैं कि ज्यादा दिन तक ताजा रहे, इसमें कोई स्मेल ना आए, फिर या खट्टा ना हो, तो आप क्या कीजिए ना, नारियल का 2 टुकड़ा लीजिए, दही में डाल करके रख दीजिए। इससे दही आपकी बिल्कुल ताजा रहेगा, इसमें खट्टास नहीं आएगा और ना ही कोई स्मेल आएगा। तो है ना एकदम नया और अनोखा तरीका दही जमाने का। इस अनोखे तरीकों को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।